दोस्तों, सलाम नमस्ते। मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल इंसेक्ट पर। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था 3 इजी ट्रैक्स के बारे में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैक पर जाने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें और किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है ट्रैकिंग पर। सो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं इस चैनल के, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। मैं पिछले 6 सालों से ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ और मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि ट्रैकिंग पे जाने से पहले किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो दोस्तों, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ट्रैकिंग के टाइम पर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, लेकिन ज़्यादातर ठंडे मौसम की वजह से पता नहीं लग पाता है, तो हर कुछ इंटरवल में पानी का सिप लेते रहना चाहिए, उससे बॉडी हाइड्रेट रहती है। ट्रैकिंग करते वक्त आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी जल्दी खत्म होती है, तो कुछ हेल्दी खाते रहना चाहिए जिससे एनर्जी लेवल बना रहता है, जैसे कि एनर्जी बार, योगा बार्स, ड्राई फ्रूट्स। ट्रैकिंग बैकपैक हमेशा आपके सामान को ऑर्गेनाइज रखता है। एक प्रॉपर ट्रैकिंग बैकपैक से आपको आपके सामान का इजी एक्सेस मिल जाता है, लोड को प्रॉपर तरीके से बैलेंस रखता है, जिससे आपके शोल्डर कंफर्टेबल रहते हैं। ट्रैकिंग शूज। ट्रैकिंग के लिए आपको एक अच्छे कंफर्टेबल, लाइटवेट, वार्म और हो सके तो वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको एंकल प्रोटेक्शन मिलती है और स्लिपरी सरफेस में अच्छी ग्रिप मिलती है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। अगर ट्रैकिंग के बीच में अंधेरा हो जाए तो रास्ता देखने में काफ़ी हेल्प मिलती है, और इसे आप अपने टेंट में रोशनी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रैकिंग के दौरान आपके हाथ काफ़ी चीज़ों के संपर्क में आते हैं, गिरने की वजह से या फिर किसी का सपोर्ट लेने की वजह से, सो हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहना चाहिए ताकि बीमार पड़ने की नौबत ना आए। अच्छे ट्रैकिंग शूज़ के साथ साथ एक अच्छी ट्रैक पैंट्स भी होनी चाहिए, जो कि हल्की हो, कंफर्टेबल हो, ब्रीदेबल हो और क्विकली ड्राई हो जाए। पैंट्स में पॉकेट होनी चाहिए कार्गो स्टाइल, जिससे हेल्प मिल जाती है काफ़ी सामान को रखने के लिए जिनका यूज़ फ्रिक्वेंटली होता है। जब भी ओपन में ट्रैकिंग होती है तो सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं और पहाड़ों पर सनबर्न्स कुछ ज़्यादा ही होता है, सो एक कैप कैरी करना एक समझदारी है। मेडिकल किट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके साथ एक बेसिक मेडिकल किट जरूर कैरी करें, जैसे कि एंटीसेप्टिक क्रीम, बैंडेज। कुछ और ऑप्शनल आइटम्स हैं जो कि आप कैरी कर सकते हैं, जैसे कि पावर बैंक, जो कि आपको हेल्प करेगा अपने आपके स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए, आपके कैमरास को चार्ज करने के लिए, और सनग्लासेस, जो कि आज के टाइम पे एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है, लेकिन वो हेल्प करेगा आपको सूरज की तेज रोशनी से बचाने के लिए। सो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो कि फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं ट्रैकिंग पे जाने के लिए। और दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और मेरी वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।